फ्रेंड्स, मैं संतोष विज्ञान अपने यूट्यूब चैनल संतोष विज्ञान पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे संबंधित सवाल अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखा जाए कार्य क्या है। सबसे पहले कार्य बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य का बराबर बल गुना विस्थापन, यानी कि गणितीय रूप से W बराबर F गुना S, यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगर बल और विस्थापन के बीच में थीटा कोण हो, अगर बल और विस्थापन के बीच में थीटा कोण हो, तो कार्य का सूत्र है W बराबर F S cos थीटा। यानी कि यदि बल F तथा विस्थापन के मध्य थीटा कोण बनता है, तो W बराबर सूत्र आएगा F S cos थीटा। अगला पॉइंट है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, वहीं कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। देखिए, अगर आपको एग्जाम में कार्य का एसआई मात्रक पूछे तो जूल, और कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्घ होता है, चूंकि डब्ल्यू बराबर एफ एस, यहाँ बल गुना विस्थापन, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, यानी कि कार्य का मात्रक जूल, जूल बराबर न्यूटन मीटर, यानी कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। अक्सर को एग्जामों में आता रहता है 1 जूल कितने के बराबर होता है, तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कार्य का बीमा ma² t-2 होता है। ma² t-2 होता है, यानी कि कार्य का मात्रक यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एम द्रव्यमान है, ए लंबाई लेंथ है, लंबाई है, टी टाइम है, समय है। तो यहाँ पर द्रव्यमान को केजी में मापेंगे, लंबाई को मीटर में और टाइम को समय में, सेकेंड में, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। केजी कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू भी होगा, यानी कि 1 जूल का मतलब होता है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर और 1 केजी मीटर पर सेकंड माइनस 2 भी होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर और बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। कार्य एक अदिश राशि है, अक्सर एग्जाम में आता है कार्य कैसा अदिश राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। देखा जाए ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, अतः ऊर्जा भी एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल ही होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल ही होता है, यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, kWh, किलोवाट घंटा होता है। अक्सर एग्जामों में आता रहता है कि ऊर्जा का व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा। वाट से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि शक्ति का मात्रक होगा, लेकिन नहीं, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि यहाँ पर 36 पर 1, 2, 3, 4, 5 जूल, 3.6 × 10⁶ जूल, इसको एक यूनिट बोला जाता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर भी होता है। ये अक्सर एग्जामों में आता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना, तो 3.6 × 10⁶ जूल। ऊर्जा के अन्य मात्रक किलो जूल और कैलोरी भी होता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होगा, ऊर्जा का कई मात्रक है किलो जूल और कैलोरी दोनों भी होता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होता है। यहाँ पर देखा जाए 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है, यानी कि 1 जूल में 2.4 कैलोरी होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। कार्य करने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा।
ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में गति कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर एक बार 2 mv², जहाँ m द्रव्यमान होता है और v वेग होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर एक बार 2 mv². आप कोई भी न्यूमेरिकल को इस सूत्र के द्वारा बना सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था, किसी वस्तु के विशेष अवस्था या उसके स्थिति कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में बोला जाता है स्थिति ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h वस्तु की ऊंचाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? तो गतिज संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध ke काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2 m, जहाँ p संवेग है और m द्रव्यमान है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2 m। अतः संवेग का मान दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। यानी कि p के मान यहाँ पर 2 कीजिएगा तो 2 × 4 काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाएगा। संवेग दोगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर संवेग 3 गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। अगला है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर w/t, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है यानी जूल पर सेकंड होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पर वाट w/t, डब्ल्यू का मात्रक कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, जूल पर सेकंड भी होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति hp हॉर्स पावर भी होता है। शक्ति का मात्रक hp हॉर्स पावर अश्व शक्ति भी होता है। 1 hp = 746 वाट, 1 hp = 746 वाट, 1 hp = 746 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 hp किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। वाट, किलो वाट, मेगावाट भी सभी शक्ति के मात्रक होते हैं। वाट, किलो वाट, मेगावाट सभी शक्ति के मात्रक होते हैं। 1 kW = 1000 वाट और 1 MW = 10^6 वाट होता है। 1 kW = 1000 वाट होता है और 1 MW = 10^6 वाट होता है। इस तरह आप कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में जानकारी पूरी तरह हो गया। इससे संबंधित सवाल आप हल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो आप अंत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।